इस समाचार के प्रायोजक हैं गोल्ड्स जिम मुजफ्फरपुर, क्योंकि फिट रहने की कोई उम्र नहीं होती। कांटी क्षेत्र के बैरिया ये जो नए इलाके हैं वहाँ बैठे हैं। यहाँ के आम लोगों ने एक महापंचायत बुलाया था, मामला था विकास का। इस इलाके में पिछले 5 वर्ष पहले जो भी विकास का काम हुआ था, विकास आज वहीं खड़ा है। लोग काफ़ी परेशान हैं, सड़क नहीं बन रहा है, लाइट का व्यवस्था नहीं है, नाला नहीं होने के कारण जल जमाव है, काफ़ी परेशानी है। स्थानीय जो विधायक हैं उनकी भूमिका बिल्कुल जीरो है इस इलाके में। जो भी थोड़ा मोड़ा काम उनके द्वारा किया गया है वो काफ़ी घटिया और जर्जर हालत में है। इन्हीं सवाल को लेकर आम लोगों ने महापंचायत बुलाया था, मुझे भी निमंत्रण था, मैं भी आया हूँ। स्थानीय मुखिया गीता देवी निषाद को निमंत्रण था, उनकी भी उपस्थिति हुई है। और हम लोगों ने निर्णय किया है कि अब किसी के भरोसे नहीं रहना है। जो भी समस्या है हम समस्या को लेकर योजना बनाकर और एक निर्णायक लड़ाई योजना के पूर्ति के लिए हम लड़ेंगे। और इन्हीं सवाल को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ बैठक किया है और अगले 14 दिसंबर के बाद कुल्हुआ पैगंबरपुर और ये शहरी जो भी कांटी का इलाका है यहाँ के आम कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, पॉलिटिकल कार्यकर्ता का एक महापंचायत लगेगा, जहाँ हम एक एक योजना पर चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे, रास्ता कैसे निकलेगा इस पर बात करेंगे और फिर संघर्ष के रास्ते उन सारे समस्याओं का निदान कराएंगे। यही हम लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। और महापंचायत में मुखिया का घोषणा है कि जो हमारे पास संसाधन है हम सबों के राय से, सबों के सहमति से उस योजना का क्रियान्वयन करेंगे। चाहे वो सड़क का मामला हो, नाला का मामला हो, बिजली का मामला हो, जो भी समस्या है सबका निदान करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि बैरिया और उसके इलाके के लोगों के प्रति प्रशासन का नज़र अच्छा नहीं है, यहाँ अपराध की बात होती है। हम सीधा कहना चाहते हैं कि ये बात सही है कि इस इलाके में अपराध अधिक होता है, लेकिन स्थानीय लोग उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार है तो ये बेरोजगारी है। बेरोजगारी के कारण शिक्षित बेरोजगार नौजवान डाइवर्ट हो रहे हैं। हम सरकार से, खासकर प्रधानमंत्री से, उनके वादा को याद दिलाते हुए हम मांग करना चाहते हैं कि आप 2 करोड़ बेरोजगारों को साल में रोजगार देने का जो बात किए थे इस पर अमल होना चाहिए। और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से कहना चाहते हैं कि बिहार में रोजगार का अवसर बढ़े, ताकि जो अपराध की ओर डाइवर्ट हो रहे हैं बेरोजगार वो मुख्यधारा में आवे और बिहार एक बार पुनः विकास के रास्ते इतना तेजी से दौड़े कि दुनिया में इसका नंबर एक पर स्थान हो। इसी सवाल को लेकर आज यहाँ महापंचायत हुआ। विमेंस ब्यूटी पार्लर पुरानी बाजार नियर विद्या विवाह भवन मुजफ्फरपुर की शान और ब्राइडल मेकअप में अलग पहचान बनाई। नेचुरल मेकअप स्पेशलिस्ट कोमल साह के जैकपॉट सैलून में पार्टी मेकअप, एचडी मेकअप, एयरब्रश मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप सहित अन्य सभी प्रकार के मेकअप की है व्यवस्था। इसके साथ ही नेल आर्ट, मेहंदी, टैटू, हेयर स्पा, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग और हाइलाइट्स की बेहतरीन सुविधा भी है उपलब्ध। शुभ लग्न हो या किसी पार्टी फंक्शन में हो जाना तो पहुंचिए जैकपॉट सैलून और अपने सौंदर्य में लाइए निखार। मैं कोमल सा मेकअप आर्टिस्ट, मैं दिल्ली के USA कंपनी से ट्रेनिंग लेके आई हूँ। मेरा सैलून जैकपॉट सैलून जो कि पुरानी बाजार में स्थित है, हमारे यहाँ ऑल फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट में ब्राइडल मेकअप है, एयरब्रश मेकअप है, ऑल टाइप मेकअप है, नेल आर्ट है, टैटू है, मेहंदी है, फेशियल है, ऑल सर्विस अवेलेबल है। मैं अनुरोध करती हूँ कि एक बार आप लोग अवश्य पधारें और सेवा का मौका दें। मुजफ्फरपुर जैकपॉट सैलून, वीमेंस ब्यूटी पार्लर, पुरानी बाजार।